नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ यहाँ पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैसे सीड का जनवरी वायदा 5980 पर तो ट्रेड करता नजर आ रहा है, लगभग 1.5% की तेजी है वायदा में। लेकिन खबरें ये भी हैं कि जो डिमांड है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है कैसे सीड के अंदर। हालांकि प्रोडक्शन पहले से कम ही बताया जा रहा है, लेकिन अब आगे कोरोना है, पाबंदियां भी लगती नजर आ रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कैसे में जो तेजी बन रही है ये क्यों बन रही है? देखिए, डिमांड अभी फिलहाल इन लेवल्स के ऊपर अच्छी देखने को मिल रही है और एक्सपोर्ट डिमांड्स भी अच्छे निकले थे और एक्सपेक्टेड भी था कि यहाँ से एक बार बाउंस बैक बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब 6000 के ऊपर के बाद यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6200 तक की तेजी देखने को मिल सकती है और नीचे में 5800 का स्तर है। लेकिन जनवरी वायदा एक्सपायरी के बेहद करीब है, इसको छोड़ दिया जाए तो फरवरी वायदा की अगर हम बात करें तो ऊपर में 6200 का स्तर फरवरी वायदा में देखने को मिल सकता है और वहीं नीचे में 5800 के आसपास का सपोर्ट है। फिलहाल बाजार तेजी की तरफ है, घरेलू बाजारों में भी डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वजह से तेजी आती हुई नजर आ रही है। जी ये सिर्फ जी बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल को देख रहे हैं कि 3350 के दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा है 3400 का लेवल टच करने के बाद। आपको क्या लगता है क्या 3400 के लेवल अगले कारोबारी सप्ताह देखने तक मिल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि 3400 का स्तर हो सकता है आपको आज इंट्राडे में भी देखने को मिल जाए और एक्सपायरी भी बेहद करीब है और वायदे की बात करें तो अगला वायदा भी सेम लेवल पर ही अप्रोक्सीमेटली ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फरवरी वायदा आप मान के चल सकते हैं 3400-3450 तक ऊपर जा सकता है आने वाले दिनों में। मे बी नेक्स्ट वीक तक आपको 3500 का स्तर भी देखने को मिले बिनौला खल में। फिलहाल तेजी अच्छी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस तेजी में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना होने की रणनीति होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेश बाइंग थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन डिप पर बाइंग और ऊपर में 3500 अगर एक बार छू जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने की सजेशन रहेगी। जी ये सिर्फ जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि निरंतर लगातार तेजी ही है। धनिया में खासकर देख रहे हैं एकदम से काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है, 9600 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। हल्दी भी अच्छी खासी ट्रेड करती नजर आ रही है 10600 के करीब, और जीरे 17000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। आपको क्या लगता है क्या मसालों में अभी और भी तेजी देखने को मिल सकती है, और क्या जो हाजिर कारोबारी हैं वो अपना थोड़ा स्टॉक बचा लें जिससे कि आगे और अच्छी तेजी में बेचा जा सके? देखिए, मसालों में तो अभी फिलहाल तेजी है, धनिया को होल्ड करना चाहिए। धनिया मुझे लगता है कि जो अप्रैल वायदा है वो आगे 10,800 के बाद 11,200 की तेजी पर जा सकता है, 10,000 के ऊपर सस्टेन है एक अच्छी तेजी। जीरा 18,000 के ऊपर मार्च वायदा देखने को मिल रहा है। जनवरी की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि एक्सपायरी काफी नजदीक है, तो अगर मार्च की बात करें जीरा भी मुझे लगता है कि 20,000 तक ऊपर पकड़ सकता है तेजी, क्योंकि अच्छी तेजी अब यहाँ से बनी है। और हल्दी भी अपसाइड मोमेंटम में है और अप्रैल वायदा 11,200 से मैक्सिमम 12,000 की तेजी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे काफी बुलिश लग रहे हैं यहाँ से मसाले। बिल्कुल इनको होल्ड करके फिलहाल चला जा सकता है। जी ये सिर्फ जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम 11,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 11,800 का ही लगा चुका है, और ग्वार सीड 6400 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी देख रहे हैं कि ग्वार में अचानक से तेजी देखने को मिल रही है, एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला है। आपको क्या लगता है क्या यहाँ से तेजी अभी और आगे बनती नजर आएंगी, 12,000 तक के भी लेवल ग्वार में देखने को मिलेंगे, या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की भी संभावना है? देखिए, संभावना बन सकती है प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन तेजी अभी बनती हुई दिख रही है और अभी इन लेवल्स के ऊपर भी हमें बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि आज जो रैली आई है अच्छी खासी 200 अंकों की तेजी के ऊपर बाजार कारोबार कर रहा है और एक्सपायरी है सबसे बड़ी बात है, और इसके चलते बाजारों में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बना हुआ दिखाई दे रहा है। छुटमुट करेक्शन आ सकती है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। ग्वार सीड की बात करें तो फरवरी वायदा 6500 का स्तर छू सकता है और वहीं गम 12,000 के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये सिर्फ जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन भी देख रहे हैं 6300 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है फरवरी वायदे की अगर ऊपर नजर डालें। आपको क्या लगता है रूपा जी, देख रहे हैं कि विदेशों में तो सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी ही है, यूएस सोयाबीन की बात करें तो उनमें लगातार हमने तेजी बनती हुई देखी है, ब्राजील अर्जेंटीना में सूखे के हालात हैं जिससे वहां पर सोयाबीन का प्रोडक्शन कम रहने के आसार बताए जा रहे हैं, और दूसरा कि सोयाबीन
मील की भी जो कीमतें हैं और जो डिमांड है विदेशों में वो बढ़ चुकी है, आपको क्या लगता है उसका असर भारतीय बाजार पर कब तक देखने को मिल पाएगा और कब तक सोयाबीन की कीमतें आगे तेज होती नजर आ पाएंगी? देखिए बहुत ज्यादा अभी फिलहाल तेजी मुझे दिखाई नहीं देती है सोयाबीन के अंदर। मैंने पहले भी बताया था कि 6500 तक मैक्सिमम अपसाइड बन सकता है, और आप देखिए अब एक्सपायरी है और अगला वायदा भी जो है सोयाबीन का वो भी देखा जाए तो 6300 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो तेजी मैक्सिमम है वो 6500 है और नीचे के अंदर 6000 का स्तर है, यहाँ पर इसी रेंज में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल मार्केट्स का सिनेरियो है नो डाउट फंडामेंटली वो काफी सपोर्टिव है, वहां पर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और लगातार वहां से जो खबरें निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं सोयाबीन को यहाँ पर भी सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइजेस लुढ़के नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर अब प्राइजेस जो है लुढ़क कर 6000 के नीचे दिखाई देते, जो विदेशी बाजारों की तेजी है उसकी वजह से ही घरेलू बाजारों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार सस्टेन है। तो इसीलिए हमें लगता है कि सोयाबीन फिलहाल इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ समय में। यही रेंज फिलहाल बरकरार है 6000 से लेकर 6500 की रेंज के बीच में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर कॉटन की तो कॉटन में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि प्रोडक्शन तो कम है लेकिन जो एक्सपोर्ट हैं कॉटन के ज़्यादा प्रीमियम रहने की वजह से थोड़े गिरते नजर आई हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आई है, ऐसे में आपको क्या लगता है कॉटन में आगे क्या तेजी कायम रह पाएगी? देखिए कॉटन में अभी खुशमुख तेजी और बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्लेश ऑलरेडी काफी तेजी आ चुकी है बाजारों में और उसके बाद हमने हल्की करेक्शन आते हुए देखी, वहां से फिर बाजार उठे और अभी भी तेजी की तरफ है। अब यहां से छुटमुट तेजी बन सकती है लेकिन करेक्शन के लिए बहुत बड़ा गैप है। अब बाजार अगर लुढ़का तो काफी अच्छे नीचे स्तर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसलिए कॉटन में तेजी जो आनी थी वो आ चुकी, छुटमुट तेजी और बन सकती है प्रोडक्शन की खबरों के चलते। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर फार्मर्स को भी अपना माल थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट करना चाहिए, फार्मर्स के साथ साथ अगर ट्रेडर्स ने भी रखा हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर एग्जिट लेने की ही पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन और मार्केट अपसाइड में रह सकता है, उसके बाद वहां से करेक्शन बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए काफी अच्छे प्राइसेस हैं, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक होना चाहिए और यहाँ से कभी भी यू टर्न लेती हुई मार्केट दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है। सबका सवाल है कि सरसों का स्टॉक तो है नहीं, लेकिन स्टॉक ना होने के बावजूद भी अब स्टॉक की सरसों की कीमतों में जो गिरावट आ रही है उसका कारण क्या है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का स्टॉक नहीं होता है और डिमांड रहती है तो उसकी कीमतों में हम देखते हैं अक्सर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन सरसों में देख रहे हैं उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए डिमांड नहीं है इन लेवल्स के ऊपर भी, आप ये देखिए कि स्टॉक जरूर अवेलेबल नहीं है लेकिन जिनके पास माल पहले से रखा हुआ था उन्होंने अब धीरे धीरे माल को निकाला है। इन लेवल्स के ऊपर भी अभी कुछ एक लोगों ने अपना माल जो है वो स्टॉक किया हुआ है क्योंकि प्राइजेस काफी नीचे आ चुके हैं कंपेरिजन अगर देखा जाए तो पिछले साल में। अभी 2021 के एंड तक अच्छी खासी तेजी थी सरसों के अंदर, लेकिन अभी जैसे देखा रिटेल में भी हम देख रहे हैं कि सरसों की कीमतों के अंदर सरसों तेल की कीमतें लुढ़कती हुई दिखाई दी है, रिफाइंड सोया ऑयल में भी गिरावट आई है, सीपीओ में गिरावट है। तो सभी कमोडिटीज के अंदर जो है एडिबल ऑयल पैक के ऊपर जब से सरकार ने इंपोर्ट फ्री ड्यूटी की है तब से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए यहां पर कीमतें उठ नहीं पा रही हैं और स्टॉक नहीं है ये बात सही है। लेकिन आगे चलकर कुछ एक एक डेढ़ महीने के बाद नई अराइवल्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे खबरें भी निकल कर आ रही है कि सरसों की क्रॉप भी डैमेज हो चुकी है तो उसका असर आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि जब अराइवल प्रेशर होगा उसके बाद जब अराइवल्स आ जाएंगे मार्केट में जब एक्चुअल में स्थिति पता चल जाएगी उसके बाद कीमतों के अंदर एक उछाल आ सकता है। लेकिन फिलहाल इन स्तरों पर क्योंकि देखिए सरसों की जो डिमांड है सरसों तेल की मांग जो है अभी फिलहाल जो फेस्टिवल सीजन में जो रौनक होती है जो डिमांड बढ़ती है वो उतनी डिमांड अभी नहीं निकल पा रही है तो इस वजह से प्राइजेस भी नहीं उठ पा रहे और अभी प्राइजेस के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। आगे चलकर नई क्रॉप आने के बाद हो सकता है कि कुछ एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। अभी एडिबल ऑयल का जो सिनेरियो है विदेशी बाजारों में तेजी का है जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट भी सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन आगे चलकर कैसा रहेगा मार्केट कैसी क्रॉप रहेगी इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन हाल फिलहाल में बाजारों में करेक्शन बनी रह सकती है लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा अब गिरावट के भी आसार नहीं है। हो सकता है आपको एक डेढ़ महीने बाद इसमें बल्कि तेजी देखने को मिले, जो अभी बाजार दबाव में है हो सकता है कि एक डेढ़ महीने के बाद उसमें उठाव आता हुआ नजर आए। जी ये जरूर जी, बात करें अगर मक्के की तो मक्के को लेकर भी हमारे पास बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रखे हैं कि मक्के में आगे क्या रहेगा। रूपा जी देख रहे हैं कि विदेशों में तो मक्के की कीमतों में तेजी का ही रुझान है और यहाँ भी देख रहे हैं कि भारत में भी
क्योंकि देख रहे हैं लगातार 2 सालों से, साल 2020 और साल 2021 में किसानों को मक्के की कीमतें बहुत ही कम मिली हैं, जिसकी वजह से किसानों का रुझान मक्के के ओर से घटा है। और दूसरा, विदेशों में मक्के की कीमतों में तेजी आना। रूपा जी, खबरें ये भी निकल के सामने आ रही हैं कि एथेनॉल इंडस्ट्री से विदेशों में जो मक्का है, जो कॉर्न है, उसकी डिमांड निकल के सामने आ सकती है एथेनॉल के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में मक्के की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है? देखिए, हो सकता है कि आगे अगर डिमांड पिकअप होती है तो एक्सपोर्ट डिमांड्स निकलते हैं तो कॉर्न को एक अपसाइड मोमेंटम मिलता हुआ दिखाई दे, प्राइजेस को एक सपोर्ट आए। लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है कि प्रोडक्शन भी कम रह सकता है, क्योंकि पिछले अभी देखा हमने प्राइजेस अच्छे नहीं मिले, जिससे किसानों का रुझान कॉर्न की तरफ हट चुका है। और अभी आगे चलकर हो सकता है कि अगली क्रॉप आने पर आपको इसके अंदर एक तेजी देखने को मिले, क्योंकि क्रॉप कम रह सकती है, प्रोडक्शन इस बार कम रह सकता है, उसके चलते एक अपसाइड मोमेंटम आगे चलकर बन सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए छुटपुट बाइंग की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है एक्सपेक्टेशन के चलते, तो इसलिए छुटमुट तेजी बनी रह सकती है, लेकिन फिलहाल लंबी तेजी कोन के अंदर बनती दिखाई नहीं दे रही। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल गार्लिक को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हमने देखा है कि इस बार लहसुन का जो उत्पादन है बंपर देखने को मिला है। हालांकि साल 2021 में हमने देखा था कि मानसून के दौरान जो फसलें थी लहसुन की, वो तबाह होती नजर आई थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि इतनी भी कमी नहीं देखने को मिली है लहसुन की, आवकें बम्पर देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर। और अब जनवरी भी आ चुका है, कुछ ही समय में नई लहसुन भी आने वाली है मंडियों के अंदर। लेकिन रूपा जी, इसी बीच हमने ये भी देखा कि जो बेमौसम बरसात हो रही है अब कई राज्यों में, जिसकी इसकी वजह से लहसुन की जो माल है वो भी कहीं ना कहीं खराब होता नजर आया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगे लहसुन में तेजी रहेगी या मंदी? देखिए, लहसुन में फिलहाल मंदी का ही दौर दिखाई दे रहा है, मंदी भी यानी कि बहुत ज्यादा मंदी नहीं है, लेकिन तेजी नहीं बन रही है इन स्तरों पर। अब आप देखिए, जो विंटर सीजन की एक डिमांड एक्सपेक्टेशन थी कि निकलेगी, वो डिमांड भी नहीं निकलती हुई दिखाई दी है। और अब विंटर सीजन जैसे ही 1-1.5 महीने के बाद थोड़ा सा ईज ऑफ हो जाएगा, उसके बाद बाजारों में और ज्यादा प्रेशर लहसुन की कीमतों पर बनता हुआ दिखाई देगा, नई अराइवल्स भी आ जाएंगे, और पहले वाला लहसुन भी बहुत बड़ा है अभी ट्रेडर्स के पास। और देखा जाए तो क्रॉप अगर डैमेज भी हो रही है, तो इसके चलते प्राइजेस के ऊपर अच्छी क्वालिटी के लहसुन में हो सकता है कि थोड़ा सा उठाव बनता हुआ दिखाई दे, लेकिन जो छोटा लहसुन है, जो बारीक लहसुन है, उसकी कीमतों में फिर दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। और आगे चलकर मुझे नहीं लगता कि कोई कीमतें बहुत ज्यादा सपोर्ट लेती हुई दिखाई देंगी। फरवरी ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि इसके अंदर और ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं मावी अंसारी जी जिनका सवाल रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ मावी अंसारी जी जिनका सवाल तुअर दाल को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या तुअर को अभी स्टॉक करके चलना सही रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से अभी दालों में स्टॉक नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि आगे चल के बल्कि दालों में दबाव बना रहेगा, इसलिए मेरी सजेशन तो नहीं रहेगी। बाकी आप अपने अपना एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आगे चलकर अभी दालों में दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आज के लिए आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी जो पूरे कारोबारी सप्ताह अच्छा मुनाफा देके चल सकते हैं? देखिए, अगर आज इंट्राडे की बात करें तो अखिलेश, इंट्राडे में मुझे लगता है कि आज काफी सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जो आगे चलकर तेजी दे सकती हैं, और इसके अंदर ग्वार शामिल है। ग्वार के अंदर एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, ग्वार के अंदर बाइंग किया जा सकता है। ग्वार के साथ साथ बिनोला खल एज यूजुअल तेजी की तरफ है, और इसी में मसालों में भी बाइंग की तरफ रहना चाहिए। करेक्शन पर बाइंग करना है, अब बढ़ते मार्केट में खरीदारी करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन करेक्शन आए तो वहां पर आप बाइंग कीजिए। और इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि आज बिनोला खल एक अच्छी तेजी पकड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा आज का कमोडिटी बाजार का अपडेट, कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं भी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।